बच्चों को पढ़ाया, आज तक हजारों ऑफिसर बना दिए, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? उनके एग्जाम में तो SRT बिना ऑप्शन के आती है, आपके एग्जाम में जो SRT है वो विद ऑप्शन है। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो इंग्लिश में है। हाँ बेटा GD भी करवाओ, मैं आपको GD भी लाइव दिखवाऊंगा, टेंशन ना लो। मैं आपको GD भी होते हुए दिखाऊंगा कि कैसे फाइट करते हैं यहाँ पे, किस तरीके से ये पहले फर्स्ट डे, और कुछ अभी रिसेंटली आए हैं, डेली आ रहे हैं कुछ बच्चे, तो फर्स्ट डे वाले भी दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं, और जो बहुत खतरनाक हो चुके हैं उनकी भी क्लासेस कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, मैं हिंदी बोलूंगा, आप मुझे इसका आंसर देंगे। जिन बच्चों को इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा, मैं वहां पे बेटा हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल आता है, लेकिन यहां पर मैं इंग्लिश में ही लिखवाया है अभी। ठीक है, तो आप सुनिए मेरी बात ध्यान से। पहली SRT आप लोग के सामने है, यू आर इन अ बस, आप एक बस में है, और ये तो जिंदगी, ये SRT जरूरी नहीं कोई स्टूडेंट पढ़े, ये कोई भी किसी भी उम्र का व्यक्ति कोई भी पढ़ सकता है, सिचुएशन हर किसी की जिंदगी में आती है बेटा। ठीक है, चलिए, यू आर इन अ बस, आप एक बस में हैं, द बस रीचेस योर स्टॉप, बस जो है स्टॉप पे पहुंच जाती है, यानी कि जहां बस को रुकना है वहां पहुंच जाती है, बट स्टिल यू हैव नॉट परचेज्ड, मतलब जहां आप खड़े हैं बस आई, जहां पर आप खड़े हैं वहां बस पहुंच चुकी है, तुमने बस का टिकट नहीं लिया, स्टिल यू हैव नॉट परचेज द टिकट बिकॉज ऑफ हैवी रश, भीड़ बहुत ज्यादा थी, जैसे ट्रेन में नहीं होता, कई बार ट्रेन में होता है, नहीं होता है कि आप भीड़ बहुत ज्यादा होती है, टिकट नहीं ले पाते हैं, तो आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू? पहला ऑप्शन, जंप आउट क्विकली टू अवॉइड एम्बरेसमेंट, बस से कूद जाएंगे, क्या करेंगे, बस से कूद जाएंगे कहीं बेइज्जती ना हो जाए, इसको बस से कूद जाएंगे कहीं शर्मिंदगी ना हो जाए, पहला। दूसरा, कॉल द कंडक्टर, कंडक्टर को बुलाएंगे, गिव हिम द मनी एंड गेट द टिकट, और उसे पैसा देके वहीं से टिकट ले लेंगे, हैंड द मनी टू समवन सिटिंग नियर बाय टू गिव इट टू द कंडक्टर, पैसा किसी पड़ोसी को देंगे, ले भाई और जाके कंडक्टर के पास चला जाओ और टिकट ले ले। ठीक है, गिव द मनी टू द ड्राइवर, और जो पैसा है वो किसको दे देंगे, ड्राइवर को, ले भाई ड्राइवर तू पकड़, पैसा तुझे दे देंगे। बताइए आंसर फटाफट, व्हाट शुड बी द आंसर गाइज, क्या आंसर होना चाहिए? And always give honest and practical and possible answer, जो होना चाहिए। बोला जी देखो आप क्या करते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन एक फौज के नजरिए सोचिए, फौजी बन के देखिए कि आप फौज के हिसाब से सोचिए कि कैसा एक फौजी सोचता है। डोंट थिंक कि नहीं सर मैं तो क्या करता, मैं तो कंडक्टर के ही कान पे लगा देता, डरा देता, धमका देता, लेकिन ये चीजें सही नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं ये चीजें सही नहीं है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है बेटा ये आपका, इसमें आपको प्रैक्टिकल आंसर देना है, ऑनेस्ट भी होना है, प्रैक्टिकल भी होना है, ऑनेस्ट भी होना है वहां पर। ये नहीं किया मैं तो सर कुछ भी कर लेता हूं, कुछ भी करोगे तो वहां पर एग्जाम में फेल हो जाओगे। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा कि हम कंडक्टर को, लिख लीजिए फटाफट इसका आंसर, आंसर नोट करते रहना, आंसर नोट कर लो फटाफट, इसका बी आंसर होगा बेटा कि कंडक्टर को बुलाएंगे और टिकट ले लेंगे पैसे देके उसको। ठीक है, चलिए ओके नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, You have made some silly mistake. आपने कुछ गलती कर दी है, क्या कर दी है बेटा, आपने गलती कर दी है, which have been pointed out to you, किसी ने वो गलती आपको बताई है कि तूने ये गलती की है, आपने की है कुछ गलती और किसी ने बताया है कि तूने ये गलती की है, क्या करेंगे, laugh it away, हंसके उड़ा देंगे, get angry, गुस्सा हो जाएंगे, miserable, बहुत ही बेचारापन सा महसूस करेंगे, ठीक है, बहुत ही दयनीय स्थिति महसूस करेंगे, या जिसने आपकी गलती आपको बताई है उसका आभारी फील करेंगे, व्हाट शुड बी योर आंसर गाइस, टेल मी फास्ट। कई लड़के कह रहे हैं सर सी इसका आंसर होगा, मिजरेबल फील करेंगे, इससे यह जाहिर होता है कि अगर सपोज करो तुम ट्रेनिंग में जाओगे, सपोज करो आप कल ट्रेनिंग में जाते हैं और वहां तुम्हारी गलती तुम्हारा सीनियर बताता है, तुम्हारा इंस्ट्रक्टर तुम्हें बताता है, तो तुम तो मिजरेबल फील करने लग जाओगे। तो भैया ऐसे लोगों की फौज में जरूरत नहीं है। अगर किसी ने आपकी आपकी गलती बताई है तो आप उस गलती के लिए बोलेंगे भाई थैंकफुल, आई एम थैंकफुल, थैंक यू आपने मेरी गलती बताई है। ध्यान रखना जिंदगी में गलती बताने वाला इंसान ही आपका होता है। किसका होता है बेटा, आपका होता है, ध्यान रख लेना। माँ बाप हमें बुरे क्यों लगते हैं, क्योंकि हमारी गलतियां बताते हैं, और वो लोग जो हमारे साथ खड़े नहीं होते वो हमारे में अच्छाइयां बताते हैं, अच्छाइयां बताने वाले हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन गलती बताने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं, और माँ बाप आप में हर दिन गलती बताते हैं इसलिए आपको बुरे लगते हैं, लेकिन ध्यान रखना उनसे बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं होता है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी इज द फाइनल आंसर गाइज,
गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो आपको लग रहा होगा कितनी आसान आसान है, लेकिन ध्यान रखिए अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ने वाला है। एक दो तो ऐसी आएगी कि दिमाग के पेज भी खुलेंगे आपके। ओ हो, चलिए। यू आर इंटरव्यूड फॉर अ न्यू जॉब, तुम्हारा नई जॉब के लिए इंटरव्यू हुआ है या चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू, जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू दोगे तो कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन, कि प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी क्या है वहां पर जिस जॉब में तुम जा रहे हो। रेम्यूनरेशन यू विल बी पेड, तुम्हें कितना पेमेंट मिलेगा, ये क्वेश्चन, ये मुद्दा उठना चाहिए वहां पर आपके इंटरव्यू में। यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि कितना पेमेंट तुम्हें मिलेगा जॉब के लिए। स्कोप टू डेवलप योर आइडियाज एंड यूज देम, कि आप अपने आइडियाज को कैसे उस जॉब में डेवलप कर पाओगे जिससे कि आप अपनी वर्किंग टू इंप्रूव द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि आप उस संस्थान के लिए हेल्प कर सकें, उसके संस्थान को आगे बढ़ा सकें। या ये सारे पॉइंट आपके लिए रहेंगे, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी बताइए फटाफट। फाउंडेशन बैच बच्चे पूछ रहे हैं, बेटा फाउंडेशन बैच जो है 2021 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑफलाइन क्लासेस के लिए। फाउंडेशन बैच होता है जिसमें बच्चा 10th पास करने के बाद 11th के लिए हमारे पास आता है, और 11th में ही हम उसकी 11th के साथ साथ एनडीए की प्रिपरेशन भी कराना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि बच्चा 11th में भी प्रिपेयर करेगा, 12th में भी प्रिपेयर करेगा, 11th 12th भी करेगा और एनडीए भी करेगा। और सोचिए अगर वो 2 साल हमारे कैनोपी में रह जाता है, छत्र छाया में, तो आप समझ सकते हैं कि फिर बाकी बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इन सब चीज की इंक्वायरी जो भी बच्चा लेना चाहते हैं, इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आप देखना, वहां पे आपको नंबर मिलेगा, कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, उन पे सब पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। चलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी इज द फाइनल आंसर। लगाओ डी, डी फॉर डॉग, सारे। आई बात समझ में नहीं,